कोई किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सब लोगों में प्रेम और भाईचारे का माहौल पैदा करने के लिए हम लोग काम करते हैं, सबके हित में काम करते हैं। आप कुछ लोग तो झगड़ा लगवाने के चक्कर में फिर शुरू किए हैं आजकल, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उसको बचाए रहते हैं। और कितना बढ़िया माहौल है यहां पर, तो वो तो एक अलग चीज है, कोई कुछ करना चाहे इधर उधर, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। तो हम लोग तो भाई सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करते रहेंगे। आप पूरे देश के लोगों को एक एक चीज के बारे में पूरी समझ होगी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे, और जो देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं वो देश का इतिहास नहीं बदलाएगा। जो इस तरह का काम करने में लगे हैं उन्हीं को बदल देगा देश। तो इसीलिए हम लोग ही चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आज भामाशाह का स्मृति समारोह मनाया जा रहा था और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन हुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जोरदार हमला किया, काम कुछ करते नहीं, आ जाते हैं और कहते हैं कि काम हम कर रहे हैं। साथ ही साथ देश में जो इतिहास है, जो धरोहर है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर यह चेताया है, एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पर ही जोरदार हमला है कि इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ये होने नहीं देगी, उनको जिस प्रकार से जो इतिहास मिटा रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा, नीतीश कुमार ने इस बात को कहा है। और आज संबोधन के दौरान जिस प्रकार से नीतीश कुमार इशारों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला भी किया है, अब पहले नीतीश कुमार बिहार की बात करते थे लेकिन अब जो है वो पूरे देश की बात करते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश के धरोहर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उस बात को लेकर जो है जनता को समझना पड़ेगा, इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही है। भले हम बिहार के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हम विपक्षी एकजुटता को लेकर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता सब देख रही है। नीतीश कुमार का बयान, हम लोग आजादी और आजादी के बाद जितना काम हुआ है, बापू के लिए जितना हम लोगों ने मनाया, सब कुछ करते रहते हैं। तो हम लोग तो जो भी थे सब लोगों के इज्जत के लिए हम लोग काम करते हैं। और बिहार में हम लोग समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। कोई किसी भी जाति के हों, कोई किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सब लोगों में प्रेम और भाईचारे का माहौल पैदा करने के लिए हम लोग काम करते हैं, सबके हित में काम करते हैं। आप कुछ लोग तो झगड़ा लगवाने के चक्कर में फिर शुरू किए हैं आजकल, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उसको बचाए रहते हैं। और कितना बढ़िया माहौल है यहां पर, तो वो तो एक अलग चीज है, कोई कुछ करना चाहे इधर उधर, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। तो हम लोग तो भाई सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करते रहेंगे। आप पूरे देश के लोगों को एक एक चीज के बारे में पूरी समझ होगी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे, और जो देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं वो देश का इतिहास नहीं बदलाएगा। जो इस तरह का काम करने में लगे हैं उन्हीं को बदल देगा देश। तो इसीलिए हम लोग ही चाहते हैं। तो लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबसे आग्रह करेंगे। और आप लोगों को भामा साहब का ध्यान में है कितना बड़ा काम किया उन्होंने, हैं? और जो इन्होंने महाराणा प्रताप जी का साथ किया, तो इस सब चीजों को याद रखिएगा। तो हम लोग तो सबके हित में है और सब लोग मिल करके आगे बढ़िए, अब बिहार भी आगे रहेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देते तो सबसे पुराना जगह बिहार था, आज कितना आगे बढ़ता। जी ये जो बात करते हैं देश का और दुनिया का, तो सबसे पौराणिक स्थल कौन है? ये सब पौराणिक स्थल बिहार का ही है आज जो कहलाता है। लेकिन इस सब चीज को भुला करके आज जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा ताकि बिहार का आप भी आगे बढ़ जाए, तो इस सब पर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम ही लोग मिलकर के बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो इतना ज्यादा आप देख लीजिए कि अब पहले से स्थिति कितना। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन यही हम अपने पार्टी के कार्यक्रम में और बाहर भी जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में, हर जगह हम एक ही बात कहते हैं कि सब लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और कभी भी बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना चाहिए और सबको एक दूसरे के हित में काम करना चाहिए, तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के ही अवसर पर हर बार बोलते हैं, आज हम फिर कहेंगे कि जहां भी रहिए आप लोग, लोग आपस में झगड़ा ना करें, सबको समझाइएगा और प्रेम और भाईचारे का माहौल रखिएगा। और जो आज भामा साहब जी का हो रहा, तो जरा भामा साहब जी का जो इतिहास है, अब कृपा करके इनके इतिहास को भी सब जगह करिएगा।